हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचुरल फॉरेस्ट वेजिटेशन ऑफ इंडिया, या हम इसको कह सकते हैं वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया। इंडिया इज सिचुएटेड एट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स एंड हैज डाइवर्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल रेगिम्स। द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट। द इंडिया फॉरेस्ट कैन बी ग्रुप्ड इंटू 5 मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेकेंड कैटेगरी है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थर्ड है माउंटेनो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फोर्थ है टेम्परेट फॉरेस्ट, फिफ्थ है अल्पाइन फॉरेस्ट। इसको 5 पूरे इंडिया के वेजिटेशन को 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जहाँ का जैसा टेम्परेचर है, जैसा रेनफॉल है उसके बेसिस पर, और जिस तरह का वहाँ पर वेजिटेशन पाया जाता है उसके बेसिस पर। तो फर्स्ट जो टाइप है फॉरेस्ट का वो है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ क्वाइट हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इस फॉरेस्ट के एरिया में जो होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। फॉरेस्ट जो होता है बहुत ही डेंस होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। द फॉरेस्ट आर डेंस मल्टी लेयर्ड एंड हैव मैनी टाइप्स ऑफ ट्रीज श्रब्स एंड लाइनस। इस जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, यहाँ का जो एरिया होता है वहाँ पर बहुत टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल बहुत हाई होता है, और जो फॉरेस्ट होता है बहुत ही डेंस होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, यानी कि कुछ ग्रासेस होते हैं, कुछ हर्ब होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ लाइनस होते हैं, कुछ ट्रीज भी उसमें पाए जाते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स या वेजिटेशन वहाँ पर जैसे ट्रीज श्रब्स लाइनस प्रेजेंट होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फर्दर कैटेगराइज इंटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ वेटनेस इन द एरिया एंड द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म इन द फॉरेस्ट। यहाँ का जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है वही मल्टी लेयर्ड होता है, लाइनस श्रब्स ट्रीज सभी तरह का वेजिटेशन वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इस तरह के फॉरेस्ट मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसको वहाँ के वेटनेस के बेसिस पर और वहाँ के टेम्परेचर के बेसिस पर और वहाँ का जो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म है, यानी जो प्लांट्स वहाँ की एरिया को उस फॉरेस्ट को डोमिनेंट करते हैं उनके बेसिस पर इसको 4 कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है कैटेगरी ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन में जो मॉइस्ट रीजन होता है जहाँ पर कि हमेशा एवरग्रीन मतलब सदाबहार वन पाए जाते हैं। ट्रीज आर टाल, यानी कि 45 मीटर से भी ऊपर जो है इनकी टॉलनेस होती है, डेंस होते हैं। दीज आर टाल डेंस इंटायरली एवरग्रीन, रेनफॉल 3000 मिलीमीटर। ये एनुअल रेनफॉल होती है एज इन वेट कोस्ट आसाम वेस्ट बंगाल एंड अंडमान आइसलैंड। जो यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, यहाँ पर ट्रीज जो होते हैं उनकी जो लेंथ होती है, टालनेस जो होती है 45 मीटर तक होती है, बहुत ही डेंस होता है यहाँ का एवरग्रीन फॉरेस्ट, और एवरग्रीन हमेशा ही एवरग्रीन रहता है। रेनफॉल 3000 मिलीमीटर, एनुअल रेनफॉल जो होती है 3000 मिलीमीटर तक होती है। वेट कोस्ट एरिया जो होता है इस फॉरेस्ट का आसाम है, वेस्ट बंगाल, अंडमान आइसलैंड्स वगैरह में इस तरह के मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डोमिनेंट ट्रीज जो हैं इस फॉरेस्ट के हैं स्पीसीज ऑफ डिप्टेरोकार्पस। डिप्टेरोकार्पस की न्यूमरस स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, विसाइड्स होपिया एंटोकार्पस मैंजीफेरा जिसके मैंगो कहते हैं, इम्बलिका इम्बली
मिसिलिया और अरवेमिया, लेजेरेट स्ट्रोमिया, आइजोरा, लेजर स्ट्रोमिया आइजोरा, ये जो है यहाँ के डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं, डोमिनेंट ट्रीज, जो कि डिप्थेरोकार्पस की स्पीसीज, होपिया की स्पीसीज, एंट्रोकार्पस स्पीसीज, मैंजीफेरा, एम्बलिका, मिसिलिया, अरवेटेमिया, लेजर स्ट्रोमिया, आइजोरा, जो यहाँ की डोमिनेंट स्पीसीज है मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रीजन, जो कि ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। दे आर मल्टी लेयर्ड, यहाँ का जो वेजिटेशन होता है मल्टी लेयर्ड होता है, यानी कि कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ लाइनेस होते हैं, कुछ स्मॉल ट्रीज होते हैं, कुछ टाल ट्रीज होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, लाइनस एंड ग्राउंड वेजिटेशन भी यहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट में पाया जाता है। सो दे आर मल्टी लेयर्ड विद स्मॉल ट्रीज, श्रब्स, लाइनस, क्लाइंबर्स, लाइनस एंड ग्राउंड वेजिटेशन। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो सेकेंड कैटेगरी होती है वो होती ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैंने पहले भी बताया कि ये जो फॉरेस्ट का जो कैटेगराइज किया गया है वहाँ की टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल के बेसिस पर, और किस तरह का वहाँ वेजिटेशन या लाइफ फॉर्म, किस तरह के प्लांट्स के, किस तरह का लाइफ फॉर्म वहाँ पर डोमिनेंट स्पीसीज है, उसके बेसिस पर इन्हें कैटेगराइज किया जाता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है यहाँ पर कुछ प्लांट्स जो होते हैं एवरग्रीन भी होते हैं और कुछ जो होते हैं डेसीडुअस टाइप के, यानी कि पर्णपाती, जिनकी पत्तियाँ जो होती कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाती हैं। डोमिनेंट ट्रीज आर डेसीडुअस, जो यहाँ के डोमिनेंट प्लांट्स होते हैं वो डेसीडुअस होते हैं, यानी कि पर्णपाती होते हैं। बट एवरग्रीन ट्रीज प्री डोमिनेंट इन लोअर और मिडिल कैनोपी, जो यहाँ के डोमिनेंट ट्रीज होते हैं वो डेसीडुअस टाइप के होते हैं, बट एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं वो प्री डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट स्पीसीज यानी कि जो उस पूरे फॉरेस्ट को गवर्न करते हैं, वहाँ का पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को, कहलाते हैं डोमिनेंट स्पीसीज। प्री डोमिनेंट जो कि उसके अंडर में होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं प्री डोमिनेंट इन लोअर और मिडिल कैनोपी शो करते हैं। इस तरह के फॉरेस्ट में रेनफॉल 2000 से लेकर के 2500 मिलीमीटर तक एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पर। दे आर बेटर डेवलप्ड इन नॉर्थर्न देन द साउथर्न रीजन ऑफ द कंट्री। इस तरह का जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ये जो यहाँ पर, ये नॉर्थर्न रीजन की अपेक्षा जो होते साउथर्न रीजन में इस तरह के जो है फॉरेस्ट अधिकतर पाए जाते हैं। ट्रीज सेड दियर लीव्स फॉर ब्रीफ पीरियड, कुछ समय के लिए जो यहाँ के ट्रीज होते हैं पत्तियों को जो है वहाँ पर पत्तियाँ जो है झड़ जाती हैं, जिसके हम कह सकते हैं कि डेसीडुअस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन नॉर्थ दे डेवलप इन नॉर्थ आसाम, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, रिसीविंग हैवी रेनफॉल। डेसीडुअस ट्रीज आर टर्मिनेलिया सोरिया, टर्मिनेलिया यानी इमली का पेड़, सोरिया यानी सोरिया रोबस्टा सीसम का, एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा रिसीविंग हैवी रेनफॉल। डेसीडुअस यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल, नॉर्थ आसाम का उड़ीसा, ये पार्ट जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेमी एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। डेसीडुअस ट्रीज आर टर्मिनेलिया सोरिया एंड टेरानेलिस टेरामेल्स, वेयर एज एवरग्रीन्स आर आर्टोकार्पस मिचेलिया एंड यूजीनिया, स्पीसीज ऑफ मैंगोलिनो मैग्नोलिया सिनामोमम
एंड जाइलिया आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्री जो होते हैं डेसीडुअस होते हैं, बट जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं प्री डोमिनेंट होते हैं और फॉरेस्ट का लोअर और मिडिल कैनोपी को शो करते हैं। रेनफॉल यहाँ का एनुअल रेनफॉल जो होता है 2000 से 2500 मिलीमीटर तक होता है। ये नॉर्थन रीजन की अपेक्षा साउथर्न रीजन जो कंट्री का है वहाँ पर अधिक अच्छे से ग्रो करते हैं। ट्रीज जो होती हैं कुछ समय के लिए उनकी लीव्स जो होती हैं झड़ जाती हैं। दे डेवलप नॉर्थ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। इस तरह का जो फॉरेस्ट होता है आसाम वेस्ट बंगाल एंड कुछ पार्ट जो होता है उड़ीसा का, वहाँ पर इस तरह के हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पर इस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है। डेसीडुअस ट्रीज में यहाँ पर टर्मिनेलिया, सोरिया, टेरामिनेल्स और एवरग्रीन फॉरेस्ट में आर्टोकार्पस, मिचेलिया, यूजीनिया, स्पीसीज ऑफ मैंग्रोरिया, सिनामोमम एंड जाइलिया प्लांट्स जो होते हैं इस तरह के फॉरेस्ट में बहुत ऐसे से पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को की थर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसका कि थर्ड कैटेगरी ट्रॉपिकल मॉइस्ट टू ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है क्योंकि मॉइस्ट कुछ मॉइस्ट होता है, कुछ समय के लिए ड्राई सीजन भी होता है। डेसीडुअस मीन्स पर्णपाती, जिसकी पत्तियाँ कुछ समय के लिए झड़ जाती हैं, उस टाइप का फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया हैविंग टेम्परेचर ऑफ 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्वाइट हाई एनुअल रेनफॉल ऑफ 150 to 200 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो होता है इस फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर होता है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और एनुअल रेनफॉल जो होता है 150 to 200 सेंटीमीटर तक की एनुअल रेनफॉल यहाँ पर पाई जाती है। स्प्रीड ओवर मोस्ट ऑफ द ईयर, और जो कि वर्ष भर पूरे साल भर जो है यहाँ पर बारिश की जो होती है लगातार होती है। बट पीरियड ऑफ रेन अल्टरनेटिंग विद वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ ड्राइनेस, बराबर बारिश के बीच में जो होता है कुछ समय के लिए जो होता है सूखा वाला रीजन आता है जिस समय की बारिश नहीं होती है, तो अल्टरनेट होती है कुछ समय के लिए, जैसे 3 मंथ बारिश होगी 3 मंथ जो होता है ड्राई रहता है। इन सेवरल एरियाज द फॉरेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू ओपन सवानाज ड्यू टू इंटेंसिव बायोटिक फैक्टर। कुछ समय के लिए जो होता है यहाँ के कुछ सेवरल एरिया जो फॉरेस्ट के हैं वहाँ पर ओपन सवाना जिसको हम घास का मैदान भी कह सकते हैं, इंटेंसिव बायोटिक फैक्टर की वजह से ये जो होता है घास के मैदान के रूप में चेंज हो जाते हैं, सवाना फॉरेस्ट ग्रासलैंड के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर चीफली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए नैरो बेल्ट along Himalayan foothills on the eastern side of western ghat, Chota Nagpur, Khasi hills, in moist area of Kerala, Karnataka, northern Madhya Pradesh, part of northern Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal। जो ये एरिया होता है जहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो एरिया जो होते हैं जहाँ पर इस तरह का फॉरेस्ट या वेजिटेशन पाया जाता है वो हिमालयन फुट हिल्स की जो होती नैरो बेल्ट पर पाए जाते हैं। कुछ जो होता है ईस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट में छोटा नागपुर, खासी हिल्स और कुछ मॉइस्ट एरिया जो होता है केरला का, कर्नाटका का, साउथर्न एमपी का और पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में इस तरह के फॉरेस्ट जो कि
ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज फॉरेस्ट इज डोमिनेंस ऑफ डेसीडुअस ट्रीज दैट रिमेन लीफलेस फॉर वन और टू मंथ्स ओनली अलोंग विद लोअर स्टोरी ऑफ स्मॉलर ट्रीज एंड एवरग्रीन श्रब्स। जो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है इस फॉरेस्ट का, यहाँ पर जो डोमिनेंट प्लांट्स होते हैं इसके, ये डेसीडुअस टाइप के होते हैं और जो लीफलेस टू या थ्री मंथ के लिए जो होता है, यहाँ पर ट्रीज जो होते हैं उसकी लीव्स जो होती हैं शेडिंग हो जाती है, झड़ जाती हैं, और वहाँ पर स्टोरी ऑफ स्मॉलर ट्रीज और एवरग्रीन श्रब्स के रूप में डेवलप होती हैं। डोमिनेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट इन नॉर्थ इंडिया आर टेक्टोनिया ग्रैंडिस यानी टिकवुड, सोरिया रोबस्टा यानी साल का ट्री, साल्मेल्ला एंड डलवर्जिया, डलवर्जिया मीन्स सीसम, वाइल इन साउथ इंडिया ओनली टेक्टोना ग्रैंडिस एंड सोरिया स्पीसीज आर डोमिनेंट। जो इस तरह के फॉरेस्ट का नॉर्थ इंडिया में इस तरह के जो डोमिनेंट ट्रीज हैं वो टेक्टोना ग्रैंडिस, सोरिया रोबस्टा यानी साल, टिकवुड सालवुड, साल्मेल्ला एंड डलवर्जिया यानी सीसम वुड, वाइल इज साउथ इंडिया में जो होते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस एंड सोरिया जो होता है डोमिनेंट स्पीसीज इस फॉरेस्ट की पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का फोर्थ कैटेगरी जो होती है लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट होता है। लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट यानी कि ये जो एरिया होता है मेनली एवरग्रीन टाइप का होता है और मैनग्रूव फ्रेश वाटर स्वाम्प फॉरेस्ट कहलाता है। यहाँ पर मैनग्रूव जो कि समुद्र के किनारे जो दलदली अवस्था होती है, राइजोफोरा टाइप के प्लांट्स वहाँ पर डेवलप करते हैं, वो एरिया मैनग्रूव एरिया कहलाते हैं। दे आर एवरग्रीन एंड इंक्लूड मैनग्रूव एंड फ्रेश वाटर स्वाम्प फॉरेस्ट। इस एरिया में एवरग्रीन और मैनग्रूव फ्रेश वाटर स्वाम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डोमिनेंट प्लांट्स ऑफ टाइडल एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट आर राइजोफोरा, एकेंथस, निपा जो है यहाँ पर पाए जाते हैं इन लेस सलाइन स्वाम्प। डोमिनेंट प्लांट्स एंड आइपोमिया फोनिक्स एक्सेट्रा। जो लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर एवरग्रीन मैनग्रूव टाइप के जो समुद्र के किनारे दलदली अवस्था में पाए जाते हैं, इस तरह के फ्रेश स्वाम्प फॉरेस्ट प्रेजेंट होता है। इस एरिया के जो टाइडल एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट होता है वहाँ पर जो डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं राइजोफोरा की होती है, एकेंथस होता है, निपा प्रेजेंट होते हैं, और जो लेस सलाइन स्वाम्प होता है वहाँ के डोमिनेंट प्लांट्स जो होते हैं आइपोमिया जिसे हम वेरेंडा भी कहते हैं एंड फोनिक्स यानी कि खजूर जैसे पेड़ यहाँ पर पाए जा सकते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी मेजर कैटेगरी थी मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बाद, सेकेंड है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन का जो टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर वेट सीजन इज फॉलोड बाय ए रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राइनेस ड्यूरिंग विच ट्रीज रिमेन लीफलेस। जो ये फॉरेस्ट होता है यहाँ पर इस तरह के एरिया में जो होता है सीजन जो होता है लंबे समय तक जो होता है ड्राइनेस होती है यानी कि रेनफॉल वह उस समय तक काफ़ी समय तक नहीं होती है, उस समय में लीव्स जो ट्रीज होते हैं लीफलेस हो जाते हैं। तो दीज फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाई स्मॉलर ट्रीज एंड श्रब्स एंड हैव अबंडेंस ऑफ श्रब्स और समटाइम्स ग्रासेस। ये जो फॉरेस्ट होता है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर डोमिनेटेड स्पीसीज जो होते हैं स्मॉलर ट्रीज होते हैं, श्रब्स पाए जाते हैं और श्रब्स ही यहाँ पर मेन अबंडेंस एरिया जो कवर करते हैं, कुछ ग्रासेस वगैरह भी इस एरिया को कवर
करते हैं इस ट्रीज में, इस तरह के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होती है वो बहुत ही कम होती है, लंबे समय तक ड्राइनेस की क्लाइमेट पाया जाता है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट। जो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है इसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट होता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट। यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है डेसीडुअस फॉरेस्ट, जो इस टाइप का फॉरेस्ट इस रीजन में पाया जाता है, इस एरिया में जो टेम्परेचर होता है 25 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, एंड एनुअल रेनफॉल जो होती है 75 to 125 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। यानी कि दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया हैविंग टेम्परेचर ऑफ 25 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एनुअल रेनफॉल ऑफ 75 to 125 सेंटीमीटर, अलॉन्ग विद ए ड्राई सीजन ऑफ अबाउट 6 months। यानी कि जो यहाँ का टेम्परेचर 25 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक, रेनफॉल एनुअल जो होती है 75 to 125 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, और लगभग सिक्स मंथ की होती है, 6 मंथ तक जो होती बारिश होती है और 6 मंथ तक सूखा रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फॉरेस्ट इन नॉर्थर्न इंडिया इज इन एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। जो ये एरिया है इंडिया का जहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा है। इन साउथर्न एंड सेंट्रल इंडिया दीज फॉरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ड्राई एरिया ऑफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। जो साउथर्न और सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो एरिया है मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। डोमिनेंट स्पीसीज इस फॉरेस्ट की जो होते हैं, डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द फॉरेस्ट आर सोरिया रोबस्टा, यानी कि साल का ट्री, टर्मिनेलिया, अकेसिया यानी बबूल, टेक्टोना ग्रैंडिस, टिकवुड, डलवर्जिया यानी सीसम एक्सेट्रा यहाँ के डोमिनेंट स्पीसीज होते हैं। सब डोमिनेंट स्पीसीज इन दीज फॉरेस्ट आर बैम्बूसा यानी बांस का पेड़, लैंटाना यानी कि वाइल्ड प्लांट होता है, एंड ग्रासेस लाइक पैनिकम हेट्रोपोगान। यानी कि जो इस फॉरेस्ट की जो सब डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं वो होती हैं बैम्बूसा, लैंटाना, ग्रासेस लाइक जैसे पैनिकम हेट्रोपोगान, ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट का जो वेजिटेशन होता है। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को सेकेंड कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जहाँ पर कि डेसीडुअस लो थॉर्नी ट्रीज पाए जाते हैं, जिसमें कि कांटे भी लगे हुए होते हैं। थॉर्न मीन्स कांटे, डेसीडुअस मीन्स पर्णपाती जिसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो होता है दे आर डेसीडुअस विद लो थॉर्नी ट्रीज, रेनफॉल 200 to 800 मिलीमीटर तक। स्पीसीज ऑफ अकेसिया, प्रोस्पिस, साल्वेडोरा एंड वालानिट्स आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज होती हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में जहाँ पर कि लो थॉर्नी ट्रीज डेसीडुअस टाइप्स के होते हैं, यहाँ की जो एनुअल रेनफॉल होती है 200 to 800 मिलीमीटर तक होती है, और यहाँ की जो डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं अकेसिया होती है, प्रोसोपिस होती है, साल्वेडोरा होता है एंड वेलानिटिस जो होती है, ये प्रीडोमिनेंट स्पीसीज इस फॉरेस्ट की होती हैं। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को की थर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी कि यहाँ पर
कुछ समय तक के लिए सूखा होता है और कुछ समय तक बारिश होती है, जिसकी वजह से कि कुछ समय तक एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ देखने को मिलते हैं। दे हैव हार्ड लिव्ड एवरग्रीन ट्रीज, जो यहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं वो सदाबहार तो होते ही हैं, साथ में उसकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी हार्ड होती हैं। रेनफॉल इन 872-1200 मिलीमीटर, जो यहाँ की रेनफॉल होती है 872-1200 मिलीमीटर तक एनुअल रेनफॉल पाई जाती है। दे आर डोमिनेटेड बाई मेमेक्सिलॉन मैनिकारा, जो यहाँ की डोमिनेंट स्पीसीज होती है, मेमेजाइलॉन होती है और मनिल कारा स्पीसीज पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ड्राई एवरग्रीन टाइप के ट्रीज पाई जाती हैं, इसलिए इस रीजन को ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। तो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को तीन उसमें डिवाइड किया गया कैटेगरी में, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और थर्ड होता है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो मेजर कैटेगरी में थर्ड रीजन होता है, थर्ड कैटेगरी होती है फॉरेस्ट की, जिसको डिवाइड किया गया है मॉन्टेनो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है सब ट्रॉपिकल रीजन का 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस रीजन का टेम्परेचर, सब ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर जो होता है 40-50 डिग्री तक होता है। माउंटेनो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्री, ये फॉरेस्ट जो है हिल एरिया में ही अधिकतर पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज वेयर क्लाइमेट इज कूलर देन ट्रॉपिकल बट वार्मर देन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट एरियाज, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है, वो ट्रॉपिकल रीजन से ठंडा होता है और टेम्परेट रीजन से गर्म होता है। दैट इज ऑन द हिल्स बिटवीन द अल्टीट्यूड्स ऑफ 1000 मीटर एंड 2000 मीटर। ये जो हिली एरिया होता है, ये लैटिट्यूड यानी ऊंचाई जो होती है इसकी 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर इस तरह के माउंटेनो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाई सेमी जीरोफिटिक, जीरोफिटिक यानी कि मरुद्भिद टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि कम पानी वाली जगहों पर उगते हैं। एवरग्रीन प्लांट्स, इस फॉरेस्ट का जो डोमिनेंट प्लांट्स होता है वो जीरोफिटिक होता है, सेमी जीरोफिटिक और एवरग्रीन प्लांट्स यहाँ पर डोमिनेटेड होते हैं। दिस कैटेगरीज इंक्लूड थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इस माउंटेनो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को थ्री टाइप्स के फॉरेस्ट में डिवाइड किया गया है, वहाँ के टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पर और वहाँ की जो डोमिनेंट स्पीसीज है उनके लाइफ फॉर्म के बेसिस पर। फर्स्ट टाइप है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट, सेकेंड है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, थर्ड कैटेगरी है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें फर्स्ट सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर जो वेजिटेशन पाया जाता है उनकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी ब्रॉड होती हैं और हिल फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। यहाँ पर दे आर लार्जली एवरग्रीन, ये जो हैं यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। रेनफॉल इज 1000-3000 mm, जो यहाँ की एनुअल रेनफॉल होती है 1000-3000 मिलीमीटर तक होती है। इन साउथर्न इंडिया द स्पीसीज ऑफ कैलोफिल्लम रोडोडेंड्रॉन नीलगिरिकम एक्सेट्रा एंड इन ईस्टर्न हिमालया स्पीसीज ऑफ क्योरकस प्रीडोमिनेट। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट में जो एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट है, यहाँ की एनुअल रेनफॉल 1000-3000 मिलीमीटर तक होती है। जो साउथर्न इंडिया होता है वहाँ की स्पीसीज कैलोफिल्लम रोडोडेंड्रॉन नीलगिरिकम होता है, और ईस्टर्न हिमालया का जो प्रीडोमिनेंट स्पीसीज होती है वो क्योरकस होती है। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की होती है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट यानी चीड़ का जहाँ पे पेड़ अधिकता में पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट।
पाइन एसोसिएशंस प्रीडोमिनेंट इन लो एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज। यहाँ पर पाइन के जो पेड़ होते हैं प्रीडोमिनेंट स्पीसीज होती है और लो एल्टीट्यूड्स हिमालय की जो रीजन होता है वहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ का एनुअल रेनफॉल जो होता है 1000 to 3000 millimeter तक एनुअल रेनफॉल पाई जाती है। इस एरिया का जो डोमिनेंट स्पीसीज होते हैं डोमिनेंट पाइन्स आर पाइनस रॉक्स बरघाई यहाँ का डोमिनेंट स्पीसीज है इन वेस्टर्न हिमालय का एंड पाइनस केसुआ इन ईस्टर्न हिमालय। जो पाइनस रॉक्स बरघाई स्पीसीज है ये वेस्टर्न हिमालय की डोमिनेंट स्पीसीज है एंड पाइनस केसुआ जो कि ईस्टर्न हिमालय की डोमिनेंट स्पीसीज होती है। यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं इसलिए इस एरिया को सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट कहा जाता है। पाइनस रॉक्स बरघाई जिससे चिलगोजा प्राप्त होता है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मॉन्टेनो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की थर्ड कैटेगरी है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर जो होते हैं लोस जीरोफिटिक फॉरेस्ट एंड स्क्रब इन द फुट हिल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय। जो वेस्टर्न हिमालय की फुट हिल्स होती हैं नीचे की पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर स्क्रब टाइप के और जीरोफिटिक टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। डोमिनेंट प्लांट्स आर ओलिया एंड अकेसिया स्पीसीज। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में जीरोफिटिक प्लांट्स पाए जाते हैं स्क्रब टाइप के जो कि वेस्टर्न हिमालय के फुट हिल्स पर पाए जाते हैं। इस एरिया का डोमिनेंट प्लांट्स होता है ओलिया एंड अकेसिया स्पीसीज। वेजिटेशन टाइप इंडिया के जो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है फोर्थ टाइप है मॉन्टेनो टेम्परेट फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट जो होते हैं ईस्टर्न हिमालय पर 2000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। यहाँ पर सिड्रस जूनीपेरस सूगा जो कि इस फॉरेस्ट के जो है मेन डोमिनेंट ट्रीज होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया हैविंग क्वाइट लो टेम्परेचर एंड अलॉन्ग विद कंपरेटिवली हाई ह्यूमिडिटी देन द कंपरेबल एरियाज ऑफ हायर लैटिट्यूड्स। जो यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो होती है हाई होती है जो टेम्परेचर होता है लो होता है और हायर लैटिट्यूड्स पर। द काज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर रेनफॉल इन हिमालयाज। जो हिमालयाज रीजन होता है वहाँ पर हाई रेनफॉल की वजह से यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी पाई जाती है कुछ पार्ट्स को छोड़कर जैसे उत्तर प्रदेश पंजाब हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर इन एरिया को छोड़कर जहाँ पर की ह्यूमिडिटी बहुत ही लोअर होती है। द फॉरेस्ट अकर मेनली द हिमालयाज एट अल्टीट्यूड 2000 to 4000 meter। यानी कि जो ये फॉरेस्ट होता है ईस्टर्न हिमालय में 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। द फॉरेस्ट आर जनरली डोमिनेटेड बाई टाल कोनीफर्स। कोनीफर्स मीन जिनकी पत्तियाँ निडिल लाइक दिखाई देती हैं उन प्लांट्स को कोनीफर्स कहते हैं। डोमिनेटेड बाई टाल कोनीफर्स और एंजियोस्पर्मिक एवरग्रीन ट्रीज विद अबंडेंस ऑफ एपिफाइट्स मॉसेस लाइकेंस एंड फर्न्स। द कैटेगरी इंक्लूड्स थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इसमें जो होता है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है टेम्परेट फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर होता है वो पाया जाता है। टेम्परेट फॉरेस्ट जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। यहाँ इस तरह के फॉरेस्ट को टेम्परेचर रेनफॉल और डोमिनेंट स्पीसीज के लाइफ फॉर्म के बेसिस पर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, सेकेंड होता है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, थर्ड होता है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट दे आर क्लोजेज एवरग्रीन हाई फॉरेस्ट। यहाँ पर
बहुत ही मतलब कि सदाबहार वन जिसे हम कह सकते हैं एवरग्रीन हाई फॉरेस्ट पाया जाता है। रेनफॉल जो होती है इस एरिया की 1500 to 5000 मिलीमीटर तक रेनफॉल एनुअल रेनफॉल होती है। इन साउथर्न इंडिया देयर आर प्रेजेंट 16 फॉरेस्ट। 16 फॉरेस्ट किसे कहते हैं? 16 आर द लोकल नेम फॉर द पैचेज ऑफ सिचुएटेड ट्रॉपिकल मेम्ब्रेन फॉरेस्ट फाउंड इन ए वैलीज एमिड रोलिंग ग्रासलैंड्स इज द हायर माउंटेन। जो 16 फॉरेस्ट होते हैं इन्हें कहते हैं, जो लोकल नेम होता है इनका, ये सिचुएटेड होते हैं ट्रॉपिकल मेलो बेल्ट में, जहाँ पर कि छोटे छोटे वैलीज में छोटे छोटे फॉरेस्ट जो रोलिंग ग्रासलैंड होते हैं इनको 16 फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ के जो डोमिनेटेड स्पीसीज होते हैं टर्नेस्ट्रोमिया इलिक्स रोडोडेंड्रॉन 16 फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वेयर एज इन ईस्टर्न हिमालय देयर अकर क्योरकस मैसिलस एसर रोडोडेंड्रॉन। जो यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय का डोमिनेंट स्पीसीज होती है क्योरकस होती है, मैसिलस होती है, एसर एंड रोडोडेंड्रॉन स्पीसीज पाई जाती है। माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट का सेकेंड रीजन जो होता है, सेकेंड टाइप में डिवाइड किया जाता है, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है आल हिमालयाज में। यहाँ पर एल्टीट्यूड जो होता है 1500 एल्टीट्यूड से 3300 मीटर एल्टीट्यूड पर इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस सेवरल कोनीफर्स एवीज सिड्रस पीसिया सुगा एंड ब्रॉड लिव्ड स्पीसीज क्योरकस रोडोडेंड्रॉन एसर अल्मस एक्सेट्रा आर डोमिनेंट। जो सेवरल कोनीफर्स प्लांट होते हैं इस एरिया के एवीज सिड्रस पीसिया सुगा होते हैं, और ब्रॉड लिव्ड स्पीसीज जो होती है क्योरकस रोडोडेंड्रॉन एसर अल्मस वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, जो डोमिनेटेड स्पीसीज होती हैं इस एरिया की। कंपोजिशन डिफर्स विद अल्टीट्यूड एंड लोकेशन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय। इस रीजन में जो होते हैं ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय के अल्टीट्यूड में जो कंपोजिशन होता है एरिया का अल्टीट्यूड का वो अलग अलग होता है। अल्टीट्यूड एंड लोकेशन जो होते हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय के अलग अलग होते हैं। माउंटेनो टेम्परेट फॉरेस्ट को थर्ड रीजन में डिवाइड किया गया है, थर्ड टाइप में हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट दे आर इसेंशियली ओपन फॉर्मेशंस अलोंग विद इनर वैली ऑफ हिमालय। ये जो एरिया पाया जाता है हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट का, ये हिमालय के वैली रीजन में जो अंदर घाटी की ओर एरिया होता है वहाँ पर इस तरह के वेजिटेशन पाई जाती है। रेनफॉल यहाँ पर 1000 मिलीमीटर से भी कम होती है। कोनीफर्स लाइक जैसे पाइनस जिराडियाना पीसिया एंड जूनीपेरस प्री डोमिनेंट स्पीसीज होती है। यहाँ पर इस एरिया का जो डोमिनेंट स्पीसीज होती है पाइनस होती है, पाइनस जिराडियाना एंड पाइनस जिराडियाना पीसिया, और प्री डोमिनेंट स्पीसीज होती है जूनीपेरस। उसके बाद फिफ्थ मेजर टाइप में फिफ्थ रीजन होता है वेजिटेशन टाइप ऑफ इंडिया के अल्पाइन फॉरेस्ट, जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 0 degree centigrade तक भी पाया जाता है। फिफ्थ रीजन अल्पाइन फॉरेस्ट दे अकर एक्सटेंसिवली थ्रू आउट हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश दे अकर एक्सटेंसिवली थ्रू आउट हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एरिया होता है अल्पाइन फॉरेस्ट का ये हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है हिमालय रीजन के। दे आर एक्सटेंसिव थ्रू आउट द हिमालय रीजन 11,000 feet। ये जो है हिमालयन रीजन के 11,000 feet की ऊंचाई पर इस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है। द ट्री हाइट
becomes lesser with in increasing altitude. ये जो ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वहाँ पर जो एल्टीट्यूड जो बढ़ता जाएगा वहाँ पर ट्रीज की हाइट भी जो है being replaced finally by sparse growth of small plants like sedum, primula, saxifraga and lichens जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं. दे आर आ फॉलोइंग थ्री टाइप्स. ये जो रीजन होता है अल्पाइन रीजन, इसको हम थ्री टाइप में डिवाइड कर सकते हैं वहाँ की रेनफॉल, वहाँ के वेजिटेशन के बेसिस पर. सब अल्पाइन रीजन दे अकर इन अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश हिमालयन रीजन. दे आर स्टंटेड डेसीडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट विद कोनीफर्स 2900 टू 3500 मीटर एल्टीट्यूड पर. 2900 एंड 3500 एल्टीट्यूड पर इस तरह का एवरग्रीन डेसीडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है. ऐसे ट्रीज जो होते हैं 8000 टू 12000 फीट पर समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उन पर पाए जाते हैं. अल्पाइन प्लांट्स कहा जाता है इन्हें. इंडिया में हिमालय पर 18000 फिट तक की ऊंचाई पर जो प्लांट देखे गए हैं. ऐसे स्थानों पर जो होता है वेजिटेशन लो टेम्परेचर, स्नोफॉल, हाई तेज हवा और हाई रेनफॉल से जो होते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं. इस तरह के फॉरेस्ट के प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे सिल्वर फर, सिल्वर ब्रिज, जूनीपेरस इस फॉरेस्ट में जनरली पाए जाते हैं. तो सब अल्पाइन रीजन में जो होता है इसमें 2000 टू 900, 3000 टू 500 अल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं. मीन एनुअल टेम्परेचर जो इस रीजन का होता है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एंड रेनफॉल जो होता है 80 to 600 मिलीमीटर तक एनुअल रेनफॉल होता है. स्पीसीज ऑफ एविज, बेटुला एंड रोडोडेंड्रॉन प्रीडोमिनेंट. एबीज, बेटुला, रोडोडेंड्रॉन जो होती है यहाँ पर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज होती है. सेकेंड टाइप जो होता है अल्पाइन रीजन का, मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट. दे अकर इन सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड इन जम्मू एंड कश्मीर. ये इस तरह का फॉरेस्ट जो होता है उत्तराखंड में एंड जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई देता है, जो कि स्क्रब टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं. अल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट थर्ड रीजन होता है. दे अकर इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड एंड इन जम्मू एंड कश्मीर. इस तरह के फॉरेस्ट भी जो होते हैं ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पाए जाते हैं. डैट्स ऑल. थैंक यू.